हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग एंड जोहार। तो आज मैं आप लोगों को ये अपनी बगान और अपनी खेती कैसे कैसे करते हैं उसको हम आज आप लोग को दिखाएंगे। तो बने रहे आप न्यू ब्लॉग में। तो ये देखिए गाइस, मेरे बगान पे ये है टमाटर। ये टमाटर अभी कच्चा है, अभी इसको बगान में लगाए हैं, तो इधर पका हुआ नहीं है। तो आप लोग को पका हुआ टमाटर दिखाते हैं। तो ये गाइस देखिए, ये पका हुआ है, कुछ कुछ कच्चा भी है। तो ये लाल लाल दिख रहा है टमाटर, और भी इधर साइड भी है टमाटर, आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए गाइस, एक दो मतलब किसी किसी पेड़ पे एक दो रहता है पका हुआ, और हम इसे बांस के सपोर्ट से रखे हैं। और ये है हमारा फूल गोभी और पत्ता गोभी, दोनों साथ में लगाए हैं। तो ये है कुछ इस तरह। तो ये है पत्ता गोभी, आप लोग को क्लियर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। और हम लगाए हैं दूसरे साइड, उसके जस्ट बगल में, उधर तरफ चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। फूल गोभी भी है साथ में। तो ये है पत्ता गोभी, और ये पत्ता गोभी है, और उसके बगल में जस्ट बगल में लगाया है ये है फूल गोभी। आप लोग को जो अभी दिखाते हैं, रुकिए कौन सा है, ये तो पत्ता गोभी है। और ये गाइस ये देखिए, ये फूल गोभी है, देखिए कितना मस्त फूल खिला हुआ है। और इसी का तो हम लोग सब्जी खाते हैं, फूल गोभी इसी को। और ये है हमारा प्याज। प्याज को हम लोग दो तरीक़ा से लगाते हैं, एक ये आलू जैसे इसमें बनाया हुआ खेत इसका इस तरह बनाया है, ताकि भुरभुरा मिट्टी पे प्याज को ना ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो आप छोटे छोटे खेत बना के भी, क्यारी बना के आप उस पर लगा सकते हैं, ताकि प्याज को ज़्यादा मात्रा में पानी मिले, ताकि वो अच्छा से बड़ा बड़ा उसका प्याज आए। तो ये सब खेती करते हैं गाइस हम लोग। और साथ में उसके साथ बगल में लगाए हुए हैं लहसुन, जो कि प्याज के जैसे ही आप लोग को पत्ता दिख रहा होगा, लेकिन प्याज नहीं है, ये लहसुन है, उसका पतला पत्ता रहता है। और ये है फ्रेश बीन, क्या बोलते हैं फ्रेश बीन। तो ये देखिए कितना हरा दिख रहा है, और इसमें फला हुआ है, लेकिन कैमरा पे नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग को खाना है तो आप लोग हमसे परचेज कर सकते हैं। और ये है गाइस हमारा फेवरेट। तो ये है बैंगन, और ये देखिए कितना मस्त खिला, ये है बैंगन है, और भी है बैंगन। तो आप लोग को बस एक दो फला हुआ है तो नीचे छुपा हुआ है। और ये है हमारा मूली, जिसमें पत्ता अभी नहीं है, क्योंकि पत्ता इसका बकरी खा चुका है। तो ये देखिए उसका पत्ता इधर, और हम ये आलू के साथ लगाए थे ये मूली को। और ये है, आप लोग को बताइए ये क्या चीज़ का फूल है, आप लोग को फूल लग रहा होगा, लेकिन ये मूली का फूल है। तो ये देखिए कितना भयानक दिखता है। और ये है हमारा सीजन वाला, आप लोग को मार्केट में तो मिल जाता होगा, लेकिन हम लोग बारी में मिलता है, तो हम लोग यहीं से तोड़ तोड़ के खाते हैं। अगर किसी को खाना होगा तो हमको कॉन्टेक्ट करिए, और आप हमसे ले सकते हैं। तो इस तरह चना हम लोग का, क्या बोलते हैं, झिंगूर चना। तो ये है हम लोग का झिंगूर चना। और ये है दाल, जो कि हम लोग राहर दाल बोलते हैं, और यही हम लोग खाते हैं घर का, आप लोग तो दुकान सुकान से खाते हैं। और ये है सीम, फला हुआ है, इसको घर के सामने में लगाया है। और ये पेड़ पे पपीता का पेड़ पे चढ़ा हुआ है उसमें। और ये देखिए पपीता दो तीन पेड़ है, तो इसमें इतना सारा फला हुआ है। अगर पपीता का फार्मिंग करना चाहते हैं तो ढेर सारा पपीता लगाइए और खेती कीजिए, पपीता बेचिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है, इजी पड़ता है इसका खेती। थैंक यू गाइस।